तो कल देश ने एक बलात्कारी बाबा राम रहीम के समर्थन में शहरों को जलते हुए देखा। हिंसा में मरने वालों की संख्या 33 पर पहुंच गई है और इससे सरकार और देश की बड़ी फजीहत हुई है। हालात पर दो दिन से नजरें गड़ाए बैठी केंद्र राज्य सरकारें कहीं नजर ही नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों बाबा के समर्थकों को राज्य को चुनौती देने के लिए इकट्ठा होने दिया गया? क्यों बाबा राम रहीम को एक सुपर VIP की तरह भाव दिया गया? ये सब ऐसे ही नहीं होता है। दरअसल इसी बलात्कारी बाबा के चरणों में गिरकर हरियाणा में BJP की सरकार बनी थी और जिन नेताओं ने बाबा की चरण वंदना कर वोटों की सत्ता पाई वो अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वोटर मरा, नेता कड़ी निंदा कर रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं सत्ता के लिए देश का सच्चा सौदा कर दिया सियासत ने। और इसी पर ये खास रिपोर्ट देखिए आप एबीपी न्यूज की। वोट के लिए हाथ जोड़कर जिस राम रहीम के पीछे खड़ी हो गई BJP के नेताओं की फौज, अब उसी बाबा के भक्तों ने कानून तोड़कर नंगा नाच मचा दिया देश के कई जिलों में। बाबा के आगे हाथ जोड़कर झुकी रहती थी हरियाणा की सरकार। देख लीजिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को, मंत्री पैरों में गिर पड़ते थे। अब उन्हीं बाबा के भक्तों ने पैरों में गिरी सरकार के कारण रौंद दिया है कानून व्यवस्था। पुलिस के ऊपर पथराव शुरू हो गया है और यहाँ से भागना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। वोट बैंक के लिए जिस मुख्यमंत्री ने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही पर झाड़ू लगाकर साथ दे दिया हो सत्ता दिलाने वाले बाबा का, वही बाबा जब बलात्कार का दोषी साबित हुआ तो भक्तों के जरिए पूरे सिस्टम के लिए भस्मासुर बन गया। जल उठा पंचकुला, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मीडिया की गाड़ियां तोड़कर आग लगा दी गई है इनको। जिस बाबा के डेरे की धरती पर पहुंचकर खुद को धन्य मानने लगते हो प्रधानमंत्री, उन्हीं की पार्टी के राज में बाबा के भक्तों ने फूंक दिया जनता की सरकार के प्रति उम्मीदों को। मुझे डेरा सच्चा सौदा की धरती को भी प्रणाम करने का अवसर मिला। तो क्यों ना कहा जाए कि हरियाणा के पंचकुला से दिल्ली तक, पंचकुला से पंजाब तक धधक रही इस आग के पीछे सिर्फ बलात्कार के दोषी बाबा राम रहीम के गुंडे भक्त नहीं, बल्कि वो हरियाणा की खटारा सरकार है जिसने बाबा के चरणों में गिरवी रख दिया था जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी जवाबदेही को। तो ओबी वैन है, सड़क पर किस तरीके से हंगामा किया है, सारे चैनल्स की ओबी वैन उन्होंने तोड़ दी है, पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है और भीड़ को यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। ये कहने की वजह क्यों आन पड़ी है, पहले इसकी तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि बलात्कार का दोषी साबित होने से पहले अगर बाबा राम रहीम सिरसा से पंचकुला की CBI अदालत तक 800 गाड़ियों के काफिले में अपनी हनक के साथ निकलता है तो ये जानना जरूरी है आखिर उसे इतनी हिम्मत मिलती कहां से थी। यहीं से पिछले दो दिन से आप कवरेज देख रहे थे, एबीपी न्यूज अकेला चैनल है जो इस वक्त आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए अकेला टीवी चैनल इस जगह पर मौजूद है जो आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे हुई है आगजनी। देखिए पंचकुला में दूर तक आसमान में उठता धुआं, हर तरफ धुआं ही धुआं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि धारा 144 लगे होने के बावजूद यहाँ तक हजारों लोग आने दिए गए। धारा 144 का क्या मतलब होता है? जिस चीज की हाईकोर्ट ने आशंका जताई थी आखिरकार वही हो रहा है। और ये देखिए पूरा पंचकुला जल रहा है, आसमान देखिए, आसमान काला हो गया है। दोपहर 3 बजे अदालत से बाबा राम रहीम बलात्कार का दोषी साबित होता है और उसी बलात्कारी बाबा राम रहीम को भगवान मानने वाले भक्तों ने 1 घंटे के भीतर देश की राजधानी दिल्ली से हरियाणा तक और पंजाब तक आग लगाने का खौफनाक खेल शुरू कर दिया। तो क्यों ना कहा जाए कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने ही
एक बलात्कारी बाबा को इतना बड़ा बना दिया कि वो खुद को कानून व्यवस्था से ऊपर समझने लगा। क्यों ना ये माना जाए कि ये बीमारी देश की राजनीति की है, जो बाबाओं के भरोसे सत्ता पाकर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सौदा करती है। वरना पंचकुला में जो आग अब लगी दिख रही है, इसे लगने देने, इसे भड़कने देने, इसमें वोट बैंक के लिए पेट्रोल डालने की जिम्मेदारी सीधे खट्टर सरकार की, जिसकी गवाही देती है पंचकुला की ये तस्वीरें। ये देखिए उस साइड महिलाएं भी जमा है, ये देखिए वाहनों को आग लगाई गई है, वाहनों को आग लगाई गई है और वो देखिए डेरा समर्थक महिलाएं मुंह बांध कर लड़ रही हैं, पत्थर मार रही हैं पुलिस पर। देखिए कहां तक, जहां तक नजर जाती है सब जगह आग ही आग है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है अब, लेकिन उसका क्या फायदा होगा? हथियार फोर्स सब धरे के धरे रह गए। भीड़ ने जो करना था वो कर दिया, जला दिया पंचकुला। और देखिए अब भी डटे हुए महिलाओं की हिम्मत देखिए, महिलाओं की हिम्मत देखिए। जिस तरह की सड़क नजर आती है देखिए, सब गाड़ियां चली हुई हैं, एक एक तस्वीर देखिए। लोग फिर ताड़ियां मारकर आग लगाकर पत्थर फेंक रहे हैं, देखिए ये है पंचकुला। इस आग को भले लगाया हो बलात्कारी बाबा राम रहीम के भक्तों ने, लेकिन इस आग के पीछे वोट के लिए भस्मासुर बनाने वाली राजनीति कैसे, ये आज हम आपको साबित करके दिखा देंगे। सबसे पहले इनसे मिल लीजिए, ये हैं राम विलास शर्मा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। गुरुवार को एबीपी न्यूज संवाददाता यादविंदर सिंह ने इनसे पूछा था, बताओ मंत्री जी, धारा 144 लगने के बाद कैसे पंचकुला में हजारों हजार राम रहीम समर्थक जुटते जा रहे हैं, सरकार क्या हाथ बांध के बैठी है? गुरुवार का इनका जवाब सुन लीजिएगा, आपका गुस्से से खून खौल उठेगा। 144 लगी है, हमने एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया है, परंतु धारा 144 श्रद्धा के ऊपर नहीं लगी है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, डेरा प्रेमी स्वभाव से अनुशासन प्रिय लोग हैं, और कल सब कुछ शांतिपूर्ण हो, शंकर की कृपा से कल सब कुछ शांति प्रिय तरीके से। एक बलात्कारी बाबा के प्रति खटारा मंत्री की श्रद्धा ने ही अब देख लीजिए क्या हाल कर दिया है शहर का। क्या शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा ये जवाब देंगे कि क्या ये श्रद्धा है, जिस श्रद्धा को वो कह रहे थे कि इन पर धारा 144 लागू नहीं होती है? तो राम विलास जी, अगर आप देख रहे हो तो देख लीजिए, ये श्रद्धा है जिसके कारण आपकी धारा 144 तहस नहस होकर पंचकुला को जलाकर चली गई। राम विलास शर्मा जैसे मंत्रियों ने क्यों दर्जनों लोगों की जान का सौदा हरियाणा में कर डाला, इसकी वजह अब आपको दिखा देते हैं। दो तस्वीरें देख लीजिए, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। समझ में आ जाएगा क्यों बाबा के समर्थकों को आग लगाने की, कानून को रौंद कर नंगा नाच करने की छूट दी गई थी हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा सरकार तो उसी बलात्कारी बाबा के चरणों में इतना झुक जाती थी कि जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी थी। राम विलास शर्मा इसीलिए कह रहे थे कि श्रद्धा पर धारा 144 नहीं लगती, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के आगे हरियाणा सरकार ने घुटने टेक रखे। इस मंत्री को अब अपनी कुर्सी पर रहने का एक मिनट का भी हक नहीं, क्योंकि रामविलास शर्मा जैसे लोगों ने बाबा के चरणों में गिरकर एक ऐसी भस्मासुरी स्थितियों को पैदा होने दिया जिसने 28 लोगों की जान ले ली। जब आपके पूरे बीजेपी के विधायक जो है वो जाकर उनको जो है सलामी देते, हरियाणा की सरकार 50 लाख रुपए की घोषणा करती है कि उस डेरे को समय इसकी मदद करने, मुख्यमंत्री खुद बीजेपी के हरियाणा के जाते हैं स्वयं उनको स्वागत करने, अपनी चुनावी स्वार्थ के लिए देश का कानून का उल्लंघन और देश के अंदर खुद के सरकार की घोषणाएं 144 हो या अलर्ट की बात हो उसका उल्लंघन, ये सब अपनी मौका परस्ती के लिए आज देश की हालत जो है इस तरीके से उतार कर ले आई है बीजेपी। आप सोचेंगे कि बीजेपी का कौन सा चुनावी स्वार्थ आखिर बलात्कारी बाबा राम रहीम पूरा कर रहा था, तो इसका जवाब भी आज देखिए। ये तस्वीरें साल 2014 की हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के हरियाणा में प्रभारी कैलाश विजय वर्गीय बाबा राम रहीम के दरबार में मत्था टेक कर निकल रहे थे।
क्यों निकल रहे थे, खुद कैलाश विजयवर्गीय से सुनिए। बाबा जी का आशीर्वाद मिला चुनाव में, ये बात सही है, और भविष्य में भी उनके आशीर्वाद से अच्छा काम करें, इस प्रकार का संतों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जो विरोधी दल थे उन्होंने कहा है कि भाजपा नहीं जीती है, डेरा सच्चा सौदा जीता है, क्या मानना है? जो माने जीत जीत होती है, वो हारे हैं, इस बात को तो स्वीकार कर लें कम से। वोट जनता देती है कि वोट बाबा दिलाता है? जीतने के बाद बाबा का धन्यवाद करने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी थी हरियाणा में, अब इसका कारण बताते हैं। बाबा राम रहीम, जिसके 5 करोड़ से ज्यादा समर्थक देश विदेश में बताए जाते हैं, अकेले हरियाणा में बाबा राम रहीम के 25 लाख समर्थकों की तादाद मानी जाती है। उन्हीं 25 लाख भक्तों को वोट बैंक के तौर पर अब तक राम रहीम इस्तेमाल करके अपनी चौखट पर नेताओं की हाजिरी लगवाता रहा। हरियाणा की ही बात करें तो 2009 में राम रहीम ने कांग्रेस को डेरा सच्चा सौदा का समर्थन दिया था, और 2009 के चुनाव में कांग्रेस 90 में से 40 सीटें जीत पाई थी। 2014 में उसी बाबा राम रहीम को बीजेपी के प्रति समर्थन की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के कंधे पर आई थी। डेरा सच्चा सौदा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया और 90 में से 47 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इसीलिए भक्तों के दम पर बाबा की वोट वाली दुकान पर नेताओं का जमघट लगा रहता। बाबा की फिल्म की सक्सेस पार्टी तक में देखिए कैसे कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के दूसरे नेता तन मन से समर्पित नजर आते। और अब भी यही हालात हैं। तभी तो बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज राम रहीम के बलात्कार का दोषी साबित होने के पीछे भारतीय संस्कृति के खिलाफ साजिश बताने लगते हैं। एक आदमी ने कंप्लेंट की है जन शोषण की, और करोड़ों लोग सच्चा बाबा डेरा को सच्चा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, तो एक ही बात सुनी जा रही, करोड़ों की कूट क्यों नहीं सुन रहा? एक आदमी यौन शोषण का आरोप लगा रहा है, पूर्वाग्रही भी हो सकता है, कुछ लोभ लालच भी हो सकता है, और भारतीय संस्कृति की छवि को धूमिल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कर्नल पुरोहित के साथ क्या हुआ, प्रज्ञा भारती के साथ, ठाकुर के साथ क्या हुआ? तो ये योजनाबद्ध तरीके से ये साधु सन्यासियों ने भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का षड्यंत्र है, तो मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। इतना नुकसान हो गया और ज़्यादा नुकसान न हो, अगर ज़्यादा बड़ी घटनाएं घटती हैं तो इसके लिए केवल डेरा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, न्यायालय भी जिम्मेदार होगा। जब आदमी की अस्मिता खतरे में होती है तो फिर क्या करो या मरो। अहिंसावादी महात्मा गांधी ने भी 9 अगस्त 1942 को नारा दिया था, करो या मरो। जब हिंसा से काम नहीं चल रहा था तो महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। वो सच्चे भक्त हैं, अहिंसावादी हैं, वो अहिंसा की बात करते हैं। एक आदमी ने झूठी कंप्लेंट कर दी, करोड़ों लोग उसे भगवान मान रहे हैं और कह रहे हमारे गुरु सही हैं, सही हैं, सही हैं, तो केस भी तो गवाहों पर चलता है। यही है भस्मासुर बनाने वाली वोट की राजनीति, जिसके कारण सिरसा से पंचकुला तक सेना को अब हालात संभालने के लिए फ्लैग मार्च करना पड़ा है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सत्ता के लिए देश का सच्चा सौदा। अब तक आपने देखा कि जिस राम रहीम के पीछे खड़ी हुई है बीजेपी नेताओं की फौज, उसी बाबा के भक्तों ने कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई। अब देखिए दो राज्यों को हिंसा की आग में जलाने वाले बाबा के गुंडों पर हरियाणा के सीएम क्या बोले। हरियाणा में जो हिंसा हुई, हरियाणा में जो मौतें हुई, हरियाणा में हालात बिगड़ने दिए गए, उसके लिए कैसे सिर्फ राजनीति जिम्मेदार है, अब इसका एक और सबूत देते हैं। इनका नाम है अनिल जैन, हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी हैं। सुबह ही इनके पास संवाददाता विकास भदौरिया पहुंचे थे, सीधे शब्दों में पूछा था, बताइए नेताजी आप क्यों पंचकुला में धारा 144 के बावजूद बलात्कारी बाबा के हजारों हजार समर्थकों को जुटने दिया जा रहा है, क्या सरकार और प्रशासन सो रहे हैं? बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन भक्त गिरी दिखाने लगे। पंचकुला में अपने लोग रहते हैं,
बाबा के समर्थक पूरे हरियाणा में है, 2.5 करोड़ हरियाणा के पॉपुलेशन है, तो बाबा की समर्थक है तो वो लोग जहाँ हैं वहाँ हैं। लोग एक एक दो दो करके लोग अगर आते हैं तो पूरे स्टेट को रोका नहीं जा सकता। समझ रहे हैं ना आप, यानी जिस बाबा ने वोट दिलाया था उसके भक्तों के आगे भी पूरी बीजेपी और सरकार झुकी हुई थी, भले बाबा के भक्तों पर खरोच ना आए, चाहे हरियाणा जल जाए। बाबा की चरण छूने वाली बीजेपी सरकार का एक एक मंत्री, बीजेपी का एक एक नेता देख ले, बलात्कारी बाबा के भक्तों ने उस गरीब जनता की दुकान भी जला दी है, जिसने किसी बाबा के कहने पर नहीं बल्कि सुशासन की उम्मीदों पर हरियाणा में खट्टर सरकार को वोट दिया था। पान का था, गरीब आदमी था जी, क्या तोड़ फोड़ कर दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। सर हम लोग रहते हैं, हम लोगों को पता था, लेकिन उनके आते हुए हम लोग आ नहीं सके ना। देखिए ये पैसे, इसकी जो मेहनत थी वो जल गए। ये उसका देन बाबा। बेगुनाहों को मरने दिया गया, गरीबों की दुकान जलने दी गई, आम आदमी की गाड़ियां फुकवा दी गई, सब कुछ हुआ सिर्फ वोट की भस्मासुरी राजनीति के लिए। तभी तो बलात्कारी बाबा राम रहीम के साथ झाड़ू लगाने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला जलने के बाद पहुंचे तो उन्हें हवा तक नहीं थी कितने लोगों की जान उनके राज में जा चुकी है। कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं, ऑफिशियल फिगर्स क्या है? अभी लेटेस्ट आईजी साहब है। इन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी पूछा गया कि बताओ सीएम साहब, क्यों बलात्कारी बाबा के भक्तों को तुम्हारी पुलिस धारा 144 लगने के बाद नहीं रोक पा रही थी? इनका जवाब सुनिएगा। बहुत बड़ा मॉब था और जब इस प्रकार, सर ये मॉब पहुंचा कैसे पंचकुला, सवाल ये है, सीधा सीधा धारा 144 लगी थी, ये मॉब पहुंचा कैसे? हाईकोर्ट बार बार पूछ रहा था पुलिस ने ढिलाई क्यों बरती। आपकी बात ठीक में मानते हुए भी, लेकिन जब इस प्रकार का जो विषय होता है, बहुत बड़ा एक विषय है देश में, उनके और प्रदेश में भी लाखों उनके जो अनुयायी है उनको हमने रोकने की बहुत कोशिश की। शिक्षा मंत्री कहते हैं श्रद्धा पर धारा 144 नहीं लग सकती थी, बीजेपी के हरियाणा प्रभारी कहते हैं भक्तों को रोका नहीं जा सकता, और मुख्यमंत्री कहते हैं भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। ये सारा घालमेल गवाही देता है कि हरियाणा में बलात्कारी बाबा राम रहीम को छूट मिली हुई थी सत्ता के संरक्षण में अपनी बाबागिरी की हनक दिखाने की, भक्तों को आगे कर कानून व्यवस्था को चुनौती देने की। लेकिन क्यों, इसकी वजह बताती है समाज शास्त्री रंजना कुमारी और वरिष्ठ पत्रकार ओम खान। बाबा लोगों के पास जनसंपर्क है और साधन है, तो ये दोनों चीज़ें ही नेताओं को चाहिए, उनको वोट बैंक भी चाहिए और उनको पैसा भी चाहिए, तो इसलिए वो लोग चाहे बाबा कैसे भी हों, किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, वो जाते हैं। एक प्रिटेंशन होता है, कोई वास्तविक संबंध नहीं है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई आदर सम्मान है आपस में, सिर्फ एक समझौतावादी अप्रोच है कि आप गए और आपने उनका पैर छुआ और उनसे कुछ पैसे आपने झंसे और उसके बाद कुछ उनके वोट का उन्होंने आपको वायदा किया और उसके बाद उनको पूरी छूट नेताओं की तरफ से और जो हमारी सरकार है उसकी तरफ से मिल जाती है कि वो जो मर्जी चाहे वहाँ करें, जितनी मर्जी जमीन कब्जा करें, जितनी मर्जी अत्याचार लोगों को करें, औरतों को रेप करें। अब ये जो ये घटना हुई है जिसकी वजह से ये जेल गया है बाबा, उसमें स्पष्ट रूप से ये बात आई है कि कितना बड़ा शोषण का अड्डा बन गया और नेताओं को देखते देखते ये सब कुछ हुआ है। बाबा राम रहीम को जब तक अदालत ने सजा न दे दी तब तक जो है उनके समर्थन में लोग बोलते रहे, वो लोग जो उनके पास में चुनाव पंजाब चुनाव के दौरान गए थे उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए, उनकी तस्वीरें भी आती रहीं और उनके ट्वीट्स भी, खासकर मुख्यमंत्री का खुद का ट्वीट जो है जिस तरीके से आया है उनका गुणगान करते हुए, तो उससे साफ जाहिर था कि उनको भी नहीं अंदाजा था कि अदालत जो है वो क्या फैसला सुनाएगी। तो जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक उनको लगा कि हमारा फर्ज है कि हम उनका समर्थन करें, लेकिन कैसे करें, ऐसे कर सकते थे कि उन्होंने भीड़ जो है उमड़ने दी। राजनीति की इसी बीमारी के चलते समाज के दो रूप सामने आ गए, जहां एक तरफ जनता बलात्कारी के खिलाफ कैंडल मार्च निकालती है, वहीं दूसरी तरफ एक बलात्कारी बाबा के लिए भक्त सरकार की तरफ से मिली छूट के बाद शहर जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं और बस भी जला देते हैं। ऐसी घटनाओं के कारण लोकतंत्र को धक्का लगता है। इस पूरे कांड पर इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है कि सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, किसी बाबा के प्रति नहीं। पंचकुला में बलात्कारी बाबा राम रहीम के भक्तों की हिंसा ने स्थापित किया कि सत्ता के लिए सियासत ने व्यक्ति को कानून से ऊपर खड़ा कर दिया, और ऐसी घटनाओं के कारण जनता ये मानने लगती है कि सरकार कुछ खास लोगों के प्रति ही काम करती है। ये खतरा लोकतंत्र में पैदा ना हो इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।